हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम एक प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर पर को आशीष दे। मेरे प्रिय जनों, ये खास आपके लिए प्रार्थना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा और आपके बंधन को तोड़ेगा। मुझे विश्वास है हमारा परमेश्वर बड़े कामों को करता है और छुटकारे देगा और आपका जीवन बदलेगा। वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियजनों, नए साल में परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, आप आजाद होगे, बड़े कामों को देखोगे। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, अद्भुत मिराकल करता है। वो मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंख देता है, बड़े बड़े अचंभे काम करता है जो आप अपनी आंखों से देखोगे। आज मेरे प्रियजनों, असंभव को संभव करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को नहीं करेगा। मुझे विश्वास है, मेरा बिलीव है, मेरा फेथ है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मन की बातों को जानता, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ। तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं बता रहा हूँ। आज नए साल में इस प्रार्थना को सुन लोगे तो आपका जीवन बदलेगा और बड़े कामों को परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियजनों, यदि आप परेशान हैं, 2024 आ चुका है, परमेश्वर अपने बंद मार्ग को खोलेगा, बंद दरवाजे खुलेंगे। यदि आप इस प्रार्थना को पूरा विश्वास के साथ सुन रहे हो और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आज आप परमेश्वर से बोलो, आज यीशु मसीह से बोल दो। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने जीवन में और अपने बंधनों को तोड़ो और यीशु मसीह आपके कामों को पूरा करेगा। यदि आपको विश्वास होगा तो आज यीशु मसीह हमारा बड़े कामों को करेगा। मेरे प्रियजनों, विश्वास से बोलोगे परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारा दिल देखता है, हमारा हृदय देखता है, हमारा मन देखता है, हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। यदि विश्वास होगा, मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर काम को करेगा आपके जीवन में। हमें कोई गुनाह नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है। नए साल में आप प्रवेश करने से पहले प्रवेश कर चुके हो। मेरे प्रियजनों, आपको इस प्रार्थना को सुनना है और बिलीव करना है, विश्वास करना है। जैसा परमेश्वर के दास बोलते हैं वैसा आपके लिए होगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने दासों के शब्दों को पूरा करता है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, यदि आप परेशान हो, लाचार हो, गरीब हो, अनाथ हो, यकीन हो, फुटपाथ पे हो, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उस अभिषेक से परमेश्वर बंधन तोड़ेगा, आपका हर एक जुआ टुकड़ा कर दिया जाएगा। यदि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, यदि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आज परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, आप आजाद होंगे, आपके शराब जाएंगे, जादू टोना आपके घर से जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा होता है वो बंद होगा, घर में परमेश्वर की शांति आएगी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आपके जीवन में शांति आएगी। मेरे प्रियजनों, आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ उस प्रार्थना को सुनना है और विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरी मन की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ। क्या मैं तुझे नहीं दूंगा, क्या मैं तुझे नहीं दूंगा, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। यीशु ने कहा है, पुकारो, मांगो, 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 मांगने का टाइम है, मांगने का समय है, समय चला जाएगा। अरे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, भैया मत पड़ो, मांगना है परमेश्वर से, मांग लो आज। इंसान आपको कुछ नहीं देगा, इंसान देगा तो वापस ले लेगा, परमेश्वर देगा तो कभी वापस नहीं लेता है। हमें मांगना है, किससे मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है, परमेश्वर देगा, कभी वापस नहीं लेगा। मेरे प्रियजनों, वो बड़ी आशीष को देगा। यदि आप परेशान हैं, समस्या है, तकलीफ है आपके जीवन में, मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपको बच्चे की आशीष देगा। परमेश्वर, आप थक चुके हैं, थक चुके हैं अपनी समस्याओं से, थक चुके हैं अपने परिवार से,
थक चुके हैं आप इलाज करवाते करवाते, तो आज आप इस प्रार्थना को सुन लेना। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, बड़े कामों को करेगा जो आप नहीं कर पाते हो, करोगे यीशु नासरी के नाम में। हमें विश्वास करना है। बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, अरे संदेह नहीं करना है, अरे मांग तो लो, अरे मांगो, आज समय है मांगने का परमेश्वर से। समय चला जाएगा तो क्या करेगा तू, अभी समय है, अभी वक्त है, मांग लो परमेश्वर से। मैं बोल रहा हूँ मांग लो परमेश्वर से आज यीशु नासरी के नाम में। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है। परमेश्वर आपको आशीष से भरेंगे, गरीबी दूर करेगा, पैसों की आशीष आएगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते मेरे पिता। जो आप मेरे स्वामी, हम सभी को, हमारे जो मसीह भाई पूरे वर्ल्ड में है मेरे परमेश्वर, जो आपने जीवितों के बीच में जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे परमेश्वर जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवारों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे। यीशु मसीह बड़े कामों को करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको ब्लेसिंग देगा मेरे पिता। मैं विनती करता हूँ उद्धार करता यीशु पापा, जो परेशान है, जो दुख में है, तकलीफ में है, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो इलाज कराते कराते थक चुके हैं मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ब्लेस हो जाए यीशु नासरी के नाम में, चंगे हो जाए पवित्र आत्मा जी, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं मेरे परमेश्वर, जो बच्चे की आशीष नहीं आ रही पिता, जो पैसों की आशीष नहीं आ रही पिता, जो मार्ग बंद हो चुके हैं वे मार्ग ओपन हो जाए यीशु नासरी के नाम में। जो इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए, वो पैसों की आशीष आए, वो बच्चों की आशीष आए, ये बदल जाए, इनकी फैमिली बदल जाए, इनका घराना आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, ये ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर। जो आशीष, जो शैतान चुरा रहा है कारा पीठ के पीछे, मैं डांटता हूँ आशीष चुराने वाली गंदी आत्मा को, भाग छोड़े जाए, इनके धनों को छोड़ दे, इनके आशीषों को छोड़ दे, उन बच्चों की आशीष आने वाली गंदी आत्माओं को रोक रही, भाग यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर, वो आशीष, बड़ी आशीष स्वर्ग के झरोखे खोल कर इनके घरों में आ जाए आज की रात यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्हें बच्चे की आशीष नहीं मिल रही मेरे परमेश्वर, वो बच्चे की आशीष आने पाए मेरे परमेश्वर, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है मेरे परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्माएं जाए, जो लड़ाई झगड़ा करा रही घर में डाली फूट डाल रही मेरे परमेश्वर, वो दुष्ट आत्माएं जाए इनके घरों से, इनके जीवन से भाग जाए मेरे परमेश्वर, और इनका घर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, और बड़ी आशीषों से, नए साल में बड़े आशीषों से नवाजे जाए मेरे परमेश्वर, ये भरे इनके जीवन में शांतियाँ नहीं पाए, वो खुशियाँ नहीं पाए, जो परिवार में डा है, मतवाला है, लड़ा झगड़ा मेरे बंद हो जाए आज की रात मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन घरों में आशीष नहीं आ रही पिता, जो प्रेम नहीं आपस में मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पूरे विश्वास के साथ मेरे परमेश्वर, उनका घराना फैमिली आजाद हो जाए, बदल जाए यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर, ये चंगे होने पाए, इनका घराना, इनकी फैमिली उद्धार पाए यीशु नासरी के नाम में। और पिता वचनों का ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ये आपके वचन पर चलें, पूरे विश्वास के साथ मनन करें उस पर, आपकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान धर सकें मेरे परमेश्वर। इनसे बात करो पवित्र आत्मा, बात करो यीशु नासरी के नाम में, बात करो यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्हें कैंसर है, गिल्टियाँ है, रसोलिया है, पथरिया है, ट्यूमर है, नाना प्रकार की बीमारी में जकड़े हैं, जो पेट में प्रॉब्लम है, जो सीने में प्रॉब्लम है, जो लीवर में प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, जाए बीमारियाँ जाए, लीवर की बीमारी जाए, इन्फेक्शन की बीमारी जाए, बुखार जाए, टाइफाइड जाए, ट्यूमर जाए, पथरिया जाए, गिल्टियाँ जाए, रसोलिया जाए,
आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता इन सारी बातों को यीशु पिता आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। मुझे आशा है, विश्वास है, आपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी मित्र उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करिएगा। आमीन आमीन।